बहुत ही मान सम्मान के योग्य हमारे साथी भाई मुकेश सहनी जी, हमारे साथी और मेरे छोटे भाई भाई धर्मेंद्र भूपेंद्र जी, माँ बुल्ला निगम भूपेंद्र जी, भाई धर्मपाल सरपंच जी, हमारे कप्तान भाई मार्शल, मुझे मैं बहुत पुराना जानता हूँ, मैं इनका भी स्वागत करता हूँ, भाई विनोद मार्शल जी, भाई मामा नरेश मार्शल जी, सतीश जी, हरीश भाई, गाजीपुर भाई, भूपेंद्र भाई पुरारी, और हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष, सबसे पहले तो मेरा प्रोटोकॉल का सैनी साहब, प्रोटोकॉल के हिसाब से जो मैंने लिखा पड़ता है, मैं अपने ब्लॉक अध्यक्ष का भी स्वागत करता हूँ, भाई सारी कमेटी को मैं एक का नाम दूंगा, गलत है भाई कृष्ण खड़ा है, सारी कमेटी सबसे पहले तो आज नाम आए हो, और मैं आपको बताऊँ मेरे लिए सारे मेरे सम्मानित मेरे भाइयों, मैं सबसे ज्यादा सम्मान मेरी माता शक्ति के साथ हूँ। आज सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि राजनीतिक नहीं, ना भगवान किसी जात के ना किसी धर्म के, और मुझे खुशी है कि जब भगवान परशुराम जयंती आती है तो हमारे सभी 36 बरादरी के भाईचारा एक होकर इसको मनाता है। हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती आती है तो 36 बरादरी का भाईचारा एक होकर मनाता है। जय हमारी सर छोटू राम जयंती और जय राम तुलाराम जी, हमारे बहुत वीर स्वतंत्रता सेनानी उनकी जयंती, तो सभी समाज इकट्ठे होकर मनाते हैं। तो मैं आप सबको बधाई भी देता हूँ, आपका तहे दिल से मैं आपका सबका धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। हमारे भाई जगजीत सरपंच, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ आज। तो हमारे सभी वर्ग और सभी बिरादरी एक होके जब संगठित होके, तो हमारे आज से भी दादा से लेकर परदादा तक और पुराने वक्त से, तो सारे दही देवता भगवान सब एक, पर ये भी सच्चाई है मंदिर में खड़ा होकर झूठ नहीं बोलनी चाहिए। सबसे बड़ी बात ये जो राजनीति की कीड़ा, इस राजनीति के किसी न किसी रूप में याद सुनिए भाई, कई धर्म को, कई जात को, कई किसी को, इसके सबसे बड़े गुनहगार ही राजनीति का, जिन्होंने हर भगवानों को भी, इंसान को भी जात और धर्म के रूप में बांट दिया। तो आज ये संकल्प में खास करिए हमारे ब्राह्मण समाज के भाई, इनकी बात लोग बहुत सुनते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि समाज से जो एक जात का, अपराधी का, एक धर्म का जो लड़ाई चल रही है, इसमें आप लोगों ने आगे आके समाज को दिशा दिखानी चाहिए। और जो आपसी भाईचारे का जो लोग जहर घोलने की बात करते हैं, खासकर राजनीतिक आदमी करते हैं, इसमें कोई पार्टी हो, मैं इस बात से नहीं, पर आज आप सारे पढ़े लिखे बुद्धिजी हो, आप गहराई से जाइए, दो भाई बैठे होंगे कहीं पर भी, किसी बिरादरी से भी बात नहीं करता, वो एक ही बात पूछेंगे, तेरी ये बिरादरी है, तेरा ये एक धर्म है। मैं कहता हूँ आज मैं भगवान परशुराम के चरणों में एक सोगन करता हूँ, यहाँ ब्राह्मण समाज में बैठे हैं वो भी समाज, मैं उसको अपना मानता हूँ जो अपने पूर्व में काम आए, नहीं कोई किसी का, चाहे वो समाज है, चाहे वो जात है, कोई धर्म है, किसी का काम नहीं आती। मैं कहता हूँ मैं वाल्मीकि में जाता हूँ, मैं वाल्मीकि ब्राह्मण में जाता हूँ, ब्राह्मण हूँ, जाट में जाता हूँ, जाट हूँ, ऐसी भाई में जाऊँगा ऐसी भाई हूँ, यादव में जाऊँगा यादव होगा। कारण क्या है, राजनीतिक आदमी और साधु संत की कोई जात और राजनीति, राजनीतिक एक अलग चीज होती है, कारण जहाँ आपके समाज की बात होती है, आपको एक बात कर ले रहे भाई, मेरे को आप ब्राह्मण कोटे से नहीं कटती, चौधरी भूपेंद्र उड़ाने की कटती, मेरे 36 बिरादरी के भाईचारे ने मेरे को बनाया, जगदीप भाई भी बैठा है और हमारे और भी साथी बैठे हैं, जिस कॉन्सोर्सी से मेरे को जिता के भेजा, मुझे कहना नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि मैं कोई कहता हूँ कि मेरी कोई जान, पर
मेरे को जितने मेरे SCBC के भाई थे, मेरे जाट समाज के भाई थे, मेरे को सिर आंखों पर रख के और मेरी वो मदद करी, आप सोच नहीं सकते। और इतने बड़े पेड़ को गिराने में मेरे 36 ब्रादर के भाईचारे ने मेरे साथ दिया। और आप कहोगे अगर ब्राह्मण के गांव में जाऊं तो उन गांव में जगजीत भाई, अगर ब्राह्मणों की वोटों के बारे में जाऊं तो उन गांव में हर के निकला, और अपने जाट समाज के गांव में गया तो मैं बढ़िया वोटों से जीत के निकला। तो मैं वो बात कह रहा हूँ कि अपना वो जो अपने वक्त पे काम आए। आज आप संकल्प लें, मुझे खुशी हुई आप लोगों ने 36 ब्रादर के भाईचारे ने आज मिल के जयंती माई, भाई धर्मेंद्र भी बैठा, धर्मपाल भी बैठे, उनके सैनी जी भी बैठे, हमारे हुकुम सिंह सैनी जी भी बैठे हैं, सारे भाई बैठे हैं, यार साहब बैठे हैं। एक आदमी का मैं नाम ले लूँ, रिटायर हो गया अब तो सतबीर भाई सी आई टी सर है, क्योंकि अगर इसका नाम लेते हैं इससे तो फिर वो मैंने सोची कि उसका तो सारे भाई बैठे हैं। और मैं एक चीज़ जरूर कह रहा हूँ, जहाँ आपके हक की बात आई, जो वो धोड़ी का मुद्दा था उसमें ही ब्राह्मण समाज की बात नहीं थी, उसमें 11 बरादरी ऐसी थी जो ये एक बहुत बड़ा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो हमने मांग रखी थी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ये 11 बरादरियों की मांग थी, ब्राह्मण समाज, जांगड़ा ब्राह्मण समाज, प्रजापद, हमारे सेन समाज, कई समाज थे जिनकी ये 307 पुरानी जो मांग थी पूरी। पर पता नहीं क्या तकलीफ हुई, उसमें हमारे रामलाल शर्मा जी भी थे, ओम प्रकाश धनबिर जी भी थे, कट्टर साहब भी थे। तो ये जब हुड्डा साहब बात में नाम दे थे तो कोई तकलीफ क्या थी। पर एक चीज़ मैं कह रहा हूँ, जिनकी भी जमीन है, ये हुड्डा साहब का वादा नहीं हमारा वादा है, वो जमीन उन्हीं की है, उन्हीं को मिले, लेकिन मान करना आप मिलेगा। आप हुड्डा साहब ने और मैनिफेस्टो जो चल रहा है कांग्रेस का, तो उसमें भी हम करवा रहे हैं कि भाई जैसे जो कानून पास किया था, मैं कल हमारी बड़ी जनसभा है, कई जगह बड़े बड़े प्रोग्राम है, क्योंकि आप तो शुरुआत है, तो आप भी इस ब्राह्मण समाज को ये बताओ, जामदा ब्राह्मणों को बताओ, सबको बताओ कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो आपको मालिकाना हक दिया था, ये कितना जोर लगा ले, वो मालिकाना हक आपका कोई छीन नहीं सकता, वो आपका है, ये हमारा हक है, क्योंकि हम मैनिफेस्टो में भी डलवा रहे हैं। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है, सारे एक होके संगठित होके भाई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी 10 साल का राज किया, ये राजनीतिक नहीं है, राजनीतिक मंत्री है, पर एक चीज जरूर कहूंगा, उन्होंने सर्व समाज और 36 बिरादरी की बात करके सर्व समाज और 36 बिरादरी के भाईचारे को कभी तोड़ने का काम नहीं किया, उन्होंने जोड़ने का काम किया। और मेरा लगाव, मैं धन्यवाद करता हूँ अपनी खासकर पटौदी क्षेत्र का, रूपनगर का, मेरी कर्म भूमि यहीं से शुरू हुई, हमारे सारे साथी बैठे हैं, हमने पहला इलेक्शन भी यहीं से लड़ा, हमारे साथियों ने, राजू भाई बैठे हैं, सब ने मिलकर त्याग भी किया कि कुछ साथी मेरा तो कोई गांव नहीं था, यहाँ मेरी कोई वोट नहीं थी, पर मैंने मेरा मन था कि भाई इलेक्शन लड़े, तो सारे भाइयों ने इकट्ठा मेरे सांस में हुए और इकट्ठा हो गए, कहा जी हम सारे त्याग करते हैं, आपने लड़ना है। और सारे भाइयों ने तगड़े तरीके से भाई, मतलब जो इतने तगड़े आदमी मेरे खिलाफ लड़ रहे थे, मेरी कोई ताकत नहीं थी, पर वहाँ पे भी 36 बिरादरी के भाईचारे ने, हमारे यादव समाज ने भी और हमारे 36 बिरादरी इतना बड़ा बहुमत मेरे को देके वहाँ से जिताया। और वो शुरुआत पटौदी हल्का रूपनगर इनसे हुई, पर भाई हमारे साथी बैठे हैं, सबके भाई को भाई एक मिनट की साइड रखता था, हमने जिस दिन राज आया जीत के आए, हमने रेस्ट हाउस रूपनगर में सारे आपसे बुला लिए, राजू था गवा भाई, सारे अपने साथी बुलाए और साथी बुला के एक ही बात कही थी, मैं कोई जिला परिषद नहीं हूँ, ये सारे बैठे हैं, इन्हीं ने ग्रांट बांटी, इन्हीं ने और इनके मगर किसी ने काम रोक दिए, भाई वो दिन खड़ा कई दिन हो गए यहाँ रहने के लिए, कही थी बात, और इनके किसी का मान सम्मान में भाई हमने तो इसी तरीके से हमारे जगजीत भाई बैठे हैं और हमारे सारे साथी बैठे हैं, भाई इन्होंने बड़ा मेरा सहयोग किया निर्दलीय से लेकर चिताड़े तक। और भाई मेरे लिए तो मैं तो आज भी नहीं कहता भाई, अपने लिए आप लोग हो जिसे हैं आप लोग हैं, एक चीज जरूर कहता हूँ, अन्याय के खिलाफ लड़ाई को जारी रखेंगे और बंदर में खड़ा होकर बात कह रहा हूँ, भगवान के चरणों में, भगवान परशुराम के चरणों में और शिव भगवान का मंदिर है, भाई मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जो मेरे भाई मेरे चाचा का, वो ने मेरी वजह से कहीं नीचा देखना, फिर तुम्हारा झंडा और जो इज्जत की पकड़ी और जो इज्जत आज आपने की है इसका नाम रोशन करेगा, इसके हक और हकूक की लड़ाई
आप लोगों की मैं मजबूती से लड़ता रहूंगा, किसी प्रकार से भी कभी ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जो मेरे वजह से आप लोगों ने कहीं नीचा देख रहा था। मैं विश्वास करता हूँ कानवा धन से आप लोगों के साथ खड़ा हूँ। और भाई रूपनगर मेरा, मैं रूपनगर का मेरा परिवार है, हमारे सारे साथी बैठे हैं। और भाई धर्मेंद्र जहाँ से इलेक्शन लड़ा हुआ उसका घर हुआ, मैंने यहाँ कभी नहीं लिखी, मैं झज्जर गाँव में रहती का हूँ, मैंने तो उनके लिए फोटो देखा क्या भाई, यही बात थी ना। तो भाई जो आदमी जहाँ से लड़े कहीं भी हो, पर सच्ची लगन से और मेहनत से इंसान ने दो चीजों का ध्यान रखना चाहिए, एक अपनी वाणी का और एक अपने व्यवहार का। और नीति और नियम साफ रखो, भगवान सब बेड़ा पार करता है भाई, जिसकी नीति भी खोट नियत भी खोट और भाई वाणी में विरसना हो तो भाई लोग भी देख रहे फैसला लेना पड़ता है। मैं पुनः सारे भाइयों को मैं धन्यवाद करता हूँ जो आपने मान सम्मान किया। और हालांकि सच में मेरी सुबह एक बार नियत जीत गया तो नहीं, मेरे साथ ही है घर में, पर मेरी तबीयत खराब थी, फिर मैंने कहा मैं जरूर आऊँगा। आप सबका मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ। और एक चीज़ फिर कहता हूँ कि बहुत अच्छा किया है जी बैठे भाई, इनका भी स्वागत है महाराज, लो सरपंच तेरा भी स्वागत है। तो इन्होंने बड़ा संघर्ष किया सारी टीम ने मिलके, जब वो बात चली तो पूरी टीम को भी मैं बधाई देता हूँ, जो संघर्ष समिति आपने बनाई थी, जो ये धोनीदार का आपके लिए सारे भाई लड़े, उसके लिए भी मैं आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। और फिर आश्वस्त करता हूँ कि आपका जो लड़ाई है ये आपकी लड़ाई आपको मिलेगी, कोई माइक अलग रोक नहीं सकता। धन्यवाद, जय हिंद, जय भगवान परशुराम की जय।